जहाज जहाज मुंडी रेस देती थर्ड ईयर में, मतलब टुडे आई एम ड्राइविंग दिस, मतलब एक नंबर की गाड़ी। इसको मैं मतलब वैसे नहीं बता सकता कि इसका क्या है, बस गाड़ी का रॉब है, रुतबा है, अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ इस गाड़ी के साथ, ठीक है। तो ये गाड़ी फीचर्स के मामले में वैसे इतनी रिच नहीं होती, बस अपने रॉब रुतबे की वजह से बिकती है, तो बस ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले गियर में इसका बहुत तेज़ पिकअप है, मतलब इस गाड़ी को बिना क्लच के बिना रेस के खाली क्लच में बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। ब्रेक हो सकता है इस गाड़ी में ऐसा हो कि फुट कुछ ज़्यादा नीचे जा रहा है, और बहुत सॉफ्ट है। इस गली में तो आप लोगों ने मेरी ब्रेजर काफ़ी बार देखी होगी वैसे, लेकिन ये तो कुछ अलग चीज़ है। तो इसे निकालने में मुझे वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही कुछ, क्योंकि विजिबिलिटी भाई इस गाड़ी की जो है ना और कहीं भी नहीं है। पूरा तो बोनेट दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि वाइपर्स थोड़े बहुत दिख रहे, भाई साहब पूरी चौड़ वाली फीलिंग। स्कॉर्पियो के साथ मैं ड्रैग रेस नहीं कर सकता भाई, कुछ ज़्यादा तेज है। ट्रैक्टर खड़ा है और ये हटने से रहा, तो मुझे दूसरी साइड से लेनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट की बजाय राइट ले लेता हूँ। मैंने वापस इसलिए ली क्योंकि राइट अगर जाना तो थोड़ा सा लेफ्ट दबाना पड़ेगा। Yes. अरे इतनी तेज थोड़ी था, वाइब्रेशन नो डाउट। ये चीज ऐसी है ना, मैंने देखो स्कॉर्पियो पहले भी चलाई थी ट्रैफिक में, तो उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। जो चीज स्कॉर्पियो को अलग बनाती है वो इसका रॉब रुतबा, जो गाड़ी में बैठते हो चलाते हो जो फील है, मतलब माहौल हैगा स्कॉर्पियो का। कंफर्टेबल वगैरह चाहे ना हो, फीचर्स कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन पीछे से सामान आके गिर रहा आगे। सेकंड गियर में भी ऐसे लग रही है जैसे फर्स्ट में भगा रहे हूं। अपनी आदत है बार बार फर्स्ट में उठाने की, इंजन पे दबाव ना है, लेकिन इस गाड़ी को जरूरत है नहीं। चलो आर्मरेस्ट की जो हाइट है थोड़ी सी ऊपर है, मतलब ये जो चीज है ये थोड़ी सी ऊपर है, और ये S10 वेरिएंट है जो मैं चला रहा हूँ। ज़्यादा ही झूलती है मोड़ पे, तो वहाँ बस मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करता है, लूज इन द सेंस मतलब सही एकदम, जो जितना स्टेयरिंग रोटेशन मैंने इतनी से दी है उतनी में गाड़ी घूमेगी कि नहीं घूमेगी, बस मैं उस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आई एम पूरा कॉन्फिडेंट। चलो भाई चलो चलो, शाबाश।
स्टेयरिंग थोड़ा सा लाया हो हार्ड पड़ता है तो कई बार एक हाथ से आने में पूरा घुमाने मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे आता है हाथ। कई बार मेरे एक हाथ ऐसे घुमा दिया, फिर ये जो कलाई होते हैं इस पार्ट से स्टेयरिंग वापस लाना होता हमें, तो जिस गाड़ी का स्टेयरिंग हार्ड है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। मैं बताऊँगा यहाँ पे कि इससे कैसे हाथ स्टेयरिंग में वापस लेकर आता हूँ, या जो भी ऐसे करते हैं। ये देखो ऐसे आता है, इसका आ नहीं रहा, बस हो सकता मुझसे ना आ रहा हो क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। गलियों के दर्शन करवाऊंगा मैं, सड़क पे तो सब चलाते हैं। मुझे बड़ा पसंद है तंग गलियों में लेके जाना, बस सामने से कोई ना आए फिर मुझे सब पसंद है। चल भाई चल चल चल, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि इधर यहाँ बीच से तो निकालूंगा, आगे थोड़ा सा रैंप है ना। ठीक है चलिए, चलो 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 चलो। अरे हो जा भाई, गया उसकी शायद तबीयत खराब थी। तो ऐसे अगर कोई ये जो डॉगी वगैरह होते हैं, अगर आपको शक होता है गया कि नहीं गया तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, अगर बैठा है तो फिर उतर के देख लेना। मतलब पहले गियर में बिना रेस के छोड़ दूं ना क्लच, अरे यार वापस लेनी पड़ेगी। वापस ले लेता हूँ भाई दूसरी गली का, आई एम नॉट श्योर क्योंकि यहाँ से माता जाता नहीं हूँ ज्यादा। ऐसी तेज यार, वो पपी वहां पे फिर से बैठा होगा। गई बाइक तो गई, चलो इसका स्टीयरिंग आता है वापस थोड़ा सा धीरे। स्टीयरिंग का ऐसा होता है ना, गाड़ी के हिसाब से दिया जाता है, छोटी गाड़ी हल्की गाड़ी तो लाइट स्टीयरिंग, साइज के हिसाब से शेयरिंग दिया गया, रिस्पॉन्स वैसे भी आना चाहिए ना। ओहो टर्बो जो किक करता ना इसका, यहाँ पे यार देखो फुट मूवमेंट दिखाने का फायदा नहीं क्योंकि ये ट्यूटोरियल नहीं है, अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। तो बस ये है ऊंचे ऊंचे बैठे हो अरे गियर चेंज नहीं करा, जरूरत ही अब पड़ी है।
अच्छे खासे हाइट पे बैठे हो, अच्छा सा लग रहा है, आर्मरेस्ट पे हाथ रख के सब देख रहे हैं, सब आसानी से साइड दे देते हैं, बड़ा व्हीकल है तो बस ये है। जैसे S10 वेरिएंट है तो साइज के हिसाब से 4 डिस्क ब्रेक तो होने चाहिए गाड़ी में, क्योंकि ये करती है पिचिंग। पिचिंग क्या होता है गाड़ी के टर्म्स में, अगर मैं आपको बताऊं पिचिंग, मैं बताता हूं क्या होती है। जैसे गाड़ी जब ब्रेक मारने के बाद ऐसे झूलती है ना, इसे पिचिंग कहते हैं। इसमें पिचिंग काफ़ी है सस्पेंशन की वजह से जो की है। गलियों के दर्शन कराऊंगा यार, फिर थोड़ा सा हाईवे पर, अभी गली है। इंडिकेटर दे रखा है मैंने, वैसे किसी को अगर ना पता लग रहा हो तो इंडिकेटर दे के टर्न लिया है मैंने। छोटे मोटे गड्ढे नहीं मानती भाई ये, मानती मतलब लगते ही नहीं। खुला खुला कोई दिक्कत नहीं है, सिटिंग पोजीशन बेहतरीन है। यार स्कॉर्पियो वाले बंदे को टेंशन तो खूब मिलती है रोड पे, है ना। जिनके पास स्कॉर्पियो ओनर है वो मुझे कमेंट करके बताना उन्हें स्कॉर्पियो की बेस्ट चीज क्या लगती है, उसी कमेंट में ये भी बताना क्या चीज नहीं पसंद स्कॉर्पियो की, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो। हाँ बस झूलती थोड़ी ज़्यादा है, अपने को उसकी आदत है ना ब्रेज़ा की। जब मैंने वो वाली स्कॉर्पियो चलाई थी मार्केट के अंदर, अक्षित की थी, और उसके बाद जब मैंने अपनी ब्रेज़ा चलाई ऐसे लगा फर्श पे बैठ गया भाई, बिल्कुल इतनी नीची नीची। बस वो है स्टेयरिंग अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाने के बाद लाइट, लेकिन नीची नीची छोटी छोटी लग रही थी। स्कॉर्पियो ओनर ने मेरी ब्रेज़ा चलाई थी तो उनको भी काफ़ी अजीब लगा था काफ़ी देर तक। खींच के देखूंगा यहाँ थोड़ी। आगे रथ है, इसीलिए मैं कह रहा था एक हाथ से स्टीयरिंग नहीं, ठीक है, खासकर हाई स्पीड पे तो बिल्कुल भी नहीं। दो दो खड़ी हैं। जहाज मंदी रेस देती थर्ड ईयर में, मतलब खुला रोड मिलते ही। चलो अब हाईवे पे को ऊपर बता देता हूँ, स्पीड 100 तो पहुंच भी गई यहीं पे। इंसुलेशन वगैरह इतनी अच्छी नहीं है वैसे गाड़ी की, मतलब थोड़ा बहुत नॉइज आ रही है इधर उधर, अगर हल्का सा भी रोड टेढ़ा मेढ़ा है तो वो मुझे सारे फील हो रहे हैं। ये बाइक वाला अगर मेरी गाड़ी ऐसी होती ना ब्रेज़ा तो इतनी साइड नहीं देता जो इसने स्कॉर्पियो होने के बाद दी है। ये क्या रखा है भाई आगे? हाँ गियर इतना हिलता है गड्ढों में, मुझे ये ना लगा कि 5वें से 4थे में अपने आप ही आ जाए बिना क्लच के। भाई लेकिन मेरा मन है वैसे बड़ी गाड़ी का, देखते हैं किस दिन पूरा होगा, करेंगे जरूर एक दिन पूरा। ब
बाकी कंफर्ट की मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है। कंफर्ट यानी कि भाई 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, क्योंकि मैं चलाता नहीं हूँ अपनी या ज़्यादा चला नहीं पाया। कंफर्ट का मैं नहीं बता सकता, वो वही लोग बता पाएंगे जिनके पास स्कॉर्पियो है। तो स्कॉर्पियो ऑनर्स अगर वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट में ये भी बताना कि कंफर्ट कैसा है, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज के लिए भी ये जानना चाहता हूँ, ठीक है। और ये वो फ्लाईओवर है जो बन रहा है, NH 52, पता नहीं ए है या बी है। इसके ऊपर मैंने सारी वीडियो जो भी आप हाईवे की देखते थे, ड्रैग रेस करते था मैं, तो वो मैंने इसी पे बनाई है। वो देखता हूँ ये थोड़े दिन में बंद हो जाएगा, अभी बंद हुआ है कि नहीं वो मैं देख लेता हूँ। है अभी तो खुला है, चलें। दूसरे में दिक्कत ले रही है। अब गाड़ी रोक के मैं दिखा देता हूँ एक बार आगे पीछे। एक जो दिक्कत मुझे लगती है इस वेरिएंट में, मेरे को पता नहीं, ठीक है पिचिंग, ये मैं कह रहा था गाड़ी ऐसे झूलती रहती है ना। यार कहाँ से होगी, हाँ सो दिस इज स्कॉर्पियो S10। मुझे मॉडल नहीं पता, बस मैं गाड़ी ले आया। रॉब रुतबा टशनबाजी हवाबाजी, दबंग लोगों की पहचान, स्कॉर्पियो S10। कैमरा आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज रेट्रोफिटेड और कंपनी फिटेड, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगा नहीं है। फील है भाई, फील है। चलो यहाँ बनाइए मैंने सारी वीडियोस, ड्रैग रेस की जितनी भी देखोगे सारी यहीं बनी है, और भी रिव्यू वीडियोस बहुत सारी मैंने यहीं बनाई है। थोड़े टाइम में बंद हो जाएगा, अपने पेट पे लात पड़ने वाली है। चलो गर्मी हो रही है कुछ ज़्यादा, ये ऑटो नहीं है मेरे ख्याल, हाँ है ऑटो है, मतलब ये रफ एंड टफ गाड़ी है भाई। फीचर्स के लिए कुछ और रख लेना अपने पास सेकेंडरी कार, बट स्कॉर्पियो आपको फीचर्स नहीं देगी, बाकी सारी चीजें देगी। Careful, your handbrake is engaged. नहीं भाई नीचे है, बोलने ही बोलने क्या तुझे। Careful, your handbrake is engaged. अब अच्छा हल्का सा इतना था, ठीक है। एक हाथ से मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे लाना पड़ता है, घूम जाएगी ना, रिस्क क्यों लेना भाई, गड्ढा है। रोलिंग करके देखूं, यू कैन स्किप द गियर्स बाय रैव मैचिंग, वीडियोस बना रखी हैं, यू कैन वॉच आउट। बन गया क्या, लेकिन अपन चलेंगे। अरे कुछ ज्यादा स्किड करती है यार गाड़ी, तो मुझे लगा स्किड करते हुए इसके नीचे से अगर गिरेगी तो गाड़ी के टिकने के चांसेस थे, तो मैंने स्टीयरिंग वापस इस तरफ घुमा दिया। इंजन ब्रेकिंग, पैर हटे हुए हैं, खाली इंजन ब्रेकिंग से चल रही है, अब ले लेते हैं। भाई चल ले। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जैसे गाड़ियां मैंने चलाई हैं, आई प्रेफर बॉडी स्टेबिलिटी,
क्योंकि कटवट काफ़ी मारता हूँ, टर्न ले लिया अचानक, तो वहाँ स्कॉर्पियो पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. आई कांट से अबाउट द ड्राइवर्स, मुझे नहीं आएगा. बट रूरल एरियाज़ के लिए काफ़ी ठीक है, सस्पेंशन अगर सॉफ्ट हैं तो गांव में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा कि गड्ढे आपको नहीं लगेंगे. बाकी अगर हाईवेज पे काफ़ी चलाते हो, कटवट काफ़ी मारते हो, देन यार मैं कुछ नहीं कह सकता. मतलब हर एक की अपनी अपनी ड्राइविंग स्किल्स हैं, बट मुझे सूट नहीं करेगी ये हाईवे के ऊपर. बैलेंस अगर लूज़ हो रहा है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा. तो रूरल एरिया में हो, बाहर भी अगर रॉब रुतबे के लिए टच एंड हवाबाजी के लिए अगर लेनी है, देन स्कॉर्पियो इज़ द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर इस बजट में एटलीस्ट. पता नहीं स्कॉर्पियो से बिकती किस वजह से है, खाली रॉब के जैसे कुछ गाड़ियाँ होती हैं. बाइक में स्प्लेंडर बिकती है, स्कूटी में मतलब गियरलेस स्कूटर में एक्टिवा बिकती है, स्विफ्ट बिकती है, स्कॉर्पियो बिकती है, फॉर्चुनर बिकती है. ऑन पेपर कंपैरिजन करोगे ये गाड़ियाँ कहीं नहीं टिकती अपने राइवल्स के आगे. बट फिर भी है कुछ तो है इन गाड़ियों के अंदर जो इन्हें अपनी सेल्स में सबसे आगे लेके जाता है. चलो ये था मेरा ड्राइविंग से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस था मैंने शेयर कर दिया. कंफर्ट ठीक है, चलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत तेज़ पिकअप है गाड़ी का. कॉर्नरिंग लैंप इस गाड़ी के अंदर आते हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि जिस साइड टर्न लेते उसी साइड की लाइट उस तरफ घूम जाती है. एक ब्रेक्स का मुझे पता नहीं सिर्फ इसी यूनिट में दिक्कत है या स्कॉर्पियो में ही है, ये थोड़ी सी ज़्यादा स्किड कर रही है तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ब्रेकिंग में. Again on the same road but for a longer route. चलो मुझे नई नई गाड़ियाँ चलाना अच्छा लगता है, खासकर वो जो मैंने अभी तक नहीं चलाई हैं. स्कॉर्पियो मैंने चला रखी है पहले भी बट स्टिल इस पे मन करता है. और जिस तरीके का क्रेज़ है लोगों में स्कॉर्पियो का, मुझे लगा मुझे फिर से वीडियो बनानी चाहिए. आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी. ज़्यादा कुछ था नहीं बताने का, ना मैं स्क्रिप्ट लिख के लाया, ना मैंने कुछ सोचा कि ये बताना है, जो निकलता गया अंदर से मैं बताता गया. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो लाइक द वीडियो, इफ यू वॉन्ट टू शेयर इट विद समवन हु नीड्स इट देन शेयर द वीडियो विद हिम और हर. ओके, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो बेल आइकन चेक कर लेना, नहीं दबाए तो ज़रूर दबा देना, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट एक बार विजिट कर लेना. आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू फॉलो मी ऑन देयर, बट एक बार विजिट ज़रूर कर लेना. अच्छा लगा तो ज़रूर फॉलो कर लेना क्योंकि उससे फिर मुझे अच्छा लगता है. ठीक है, और रेन ड्राइविंग से रिलेटेड मेरी दो तीन वीडियोज आ चुकी हैं, आएंगी, जो भी है अवेलेबल जो भी है, आई विल शेयर द लिंक इन आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द एंड स्क्रीन्स. तो इस वीडियो में बस इतना ही, लास्ट का कुछ सीन देख लेना बस, मतलब लास्ट का जो भी बचा है छोटा सा. खत्म, टाटा बाय बाय.